Okay, so good morning and welcome to all of you on our last day of workshop and specially welcome to our speaker Dr. Lata ma'am. So aaj hi hamara workshop ka last day hai. Aaj hum self connect process ke bare mein samjhenge. Hope aap sabhi logo ko is 2 din mein bahut acha feel hua hoga aur aaj bhi hum heartfulness ke ek naye tool ko samjhenge. Agar aap se koi bhi is workshop ke aage ke session ko कोई कारण से अटेंड नहीं कर पाए हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसकी लिंक हमने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी है. तो चलो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हम छोटी सी प्रेयर करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद प्रेयर. या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणा बलदण्डमण्डितकरा या चलो हम आज जानते हैं कि सेल्फ कनेक्ट प्रोसेस क्या होता है. तो आप सभी लोगों को निवेदन है कि आप अपने अपने फ़ोन या जिस किसी साधन से आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं, कृपया माइक अपने म्यूट रखें. अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बीच में पूछ सकते हो अपने माइक अनम्यूट करके. और अगर हेलो यस और आपको आप अपने अपने यूट्यूब अपने वीडियो ऑन रखें तो मैम को भी अच्छा लगेगा कि आप सभी लोग उनको सुन रहे हैं और मैम हम सब वो फील करेंगे कि हम एक साथ जुड़े हैं आज के कार्यक्रम में. ओके, सो नाउ वंस अगेन आई वेरी वॉर्म वेलकम टू अवर स्पीकर डॉक्टर लता मैम मिंगू. तो अब हम मैम मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मैम से कि वो आज के कार्यक्रम को स्टार्ट करें. सो मैम द फ्लोर इज योर्स. Thanks to everyone. Thanks Niyati Ben and thanks Kamala Ji to keep your videos on. And thank you very much. Lata ma'am, volume thoda kam hai. Yeah. See. हाँ बराबर कम था अब. हाँ अभी ठीक है बराबर कम था. तो अभी सही है ना. हाँ ठीक है. ओके, तो आज एक संडे मॉर्निंग है और संडे मॉर्निंग है कब का नवरात्रि का. वेरी डिफिकल्ट नो. रात को हम इतने बजे पता नहीं कितने बजे सोए होंगे और वापस अपना रूटीन तो करना ही है सुबह का. एंड देन सुबह सुबह वापस ये एक आ गया वर्कशॉप. तो थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट. थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया आप लोगों के लिए भी. बट क्या होगा कि फिर द रेस्ट ऑफ द डे यू आर फ्री टू डू योर थिंग्स एंड आई हैव अनदर वर्कशॉप एंड द आफ्टरनून टू अटेंड. उसके लिए एक प्री वर्क भी होता है तो वी प्री वर्क भी करना पड़े. तो चालू करने से पहले वापस एक रिकैप कर लेते हैं कि कल हमने क्या सीखा. कल हमने सीखा और समझो तो क्लीनिंग किस चीज की कर ले. क्लीनिंग क्या है. कल हमने रिजुविनेशन क्लीनिंग या रिफ्रेश होना सीखा. तो वो कब करते हैं दिन में कब करते हैं. इवनिंग. यस नाइस. कितने टाइम के लिए करते हैं. हाफ आवर. हाफ आवर.
ऑलराइट सो इन क्लीनिंग हम क्या संकल्प क्या देते हैं? क्या संकल्प दिया था हमने? कि ऑल ऑफ द नेगेटिव थॉट्स वो हमारे बैक में से इन द फॉर्म ऑफ स्मोक रिलीज हो जाते हैं। हाँ, हो रहे हैं। हाँ, किस तरीके से रिलीज हो रहे हैं? इन व्हाट फॉर्म? स्मोक यस, नाइस, गुड, स्मोक। सो द टू इम्पोर्टेंट शब्द क्या हमने यूज किया था? क्या निकलते जा रहा है? नाइस, जानवी हैज प्रॉपरली सेड, बट देर आर टू पर्टिकुलर वर्ड्स। इट इज अदर कॉम्प्ले, ये अपना सभी जटिलताएं, कॉम्प्लेक्सिटीज और सभी इम्प्यूरिटीज, ये चीजें, इसमें सब कुछ आ जाता है। एवरीथिंग दैट इज नेगेटिव इन अस, व्हाट इज नॉट नीडेड ऑल्सो एक्सेसिव इन अस, यू नो, समटाइम्स वी आर वेरी एग्रेसिव, सो दैट एनीथिंग एक्सेस विच इज नॉट नीडेड, वी डू नॉट नो, सो मेनी थिंग्स वी मे बी हैविंग इन साइड अस, राइट? तो वो सब कुछ निकलते जा रहा है। सो देर आर टू दिस इम्पोर्टेंट शब्द इन द संकल्प, सभी जटिलताएं और सभी अशुद्धियाँ। इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज और सब इम्प्यूरिटीज, पूरे पीठ से स्मोक के रूप में निकलती जा रही है। तो पूरी पीठ कहाँ से? सिर्फ बैक पार्ट? विच पार्ट? फ्रॉम, यस, नाइस, थैंक यू नियति बेन, यस, फ्रॉम बैक टू द लास्ट बोन ऑफ अवर स्पाइन। वहाँ से स्पाइन में पॉइंट्स हैं जहाँ से ये सब निकलते जाते हैं। ओके, सो ओके, मेडिटेशन हम कब करते हैं? यस नियति बेन, मुझे अनम्यूट कर। मॉर्निंग मेडिटेशन, मेडिटेशन हम कब करते हैं? ध्यान तो सुबह बोला था। हाँ राइट, ध्यान सुबह में करते हैं, राइट राइट। और क्लीनिंग कब करते हैं हम? सफाई की प्रक्रिया शाम को करते हैं। शाम को कब? जब हमारा जो मेजर पार्ट खत्म हो जाता है और बाकी का जो रेस्ट ऑफ द 1/4 ऑफ द डे इज स्टिल पेंडिंग। उससे पहले व्हेन यू आर स्टिल इन दैट फेज कि अभी ब्रेक लेके ये मैं कर लूँ, 4-5 बजे 6 बजे ऐसे कर लेने का। जो ऑफिस से होकर आते हैं वो ऑफिस में आने के बाद थोड़ा फ्रेशन अप होके फिर बैठ जाए, सो देन दे आर टोटली रिफ्रेश्ड, एक लाइटनेस, जैसे हम नहा के कैसे आते हैं, हम एकदम मस्त फ्रेश फील करते हैं, वैसा ही फ्रेश फील करोगे। योर कॉन्शियसनेस इज बैक टू दैट शाइनिंग फेज एंड देन यू गेट बैक टू योर हाउस वर्क, योर फैमिली, कनेक्ट विद देम, सो यू आर वेरी रिलैक्स्ड। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द थर्ड पार्ट ऑफ अवर, द थर्ड, एक्चुअली इट वी विल कॉल इट द फोर्थ टूल। द फर्स्ट टूल इज द रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, क्लीनिंग, रिजुविनेशन एंड द फोर्थ इज कनेक्शन विथ अवर हायर सेल्फ। सो थोड़ा बहुत मैं आपको, आई वुड गो टू द पीपीटी, एज टूडे इज द मेंटल हेल्थ डे, 10th अक्टूबर। आई वुड लाइक टू शेयर, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी हमारे रिसर्च, मेडिटेशन से कितना फर्क पड़ता है हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे जीन्स के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारी ऑरा के ऊपर। सारा ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंटेड रिसर्च है, तो वो थोड़े से स्लाइड में आपके साथ शेयर करूँगी, फिर हम डिकनेक्शन में जाएंगे, ठीक है? आई एम शेयरिंग द स्लाइड नाउ। तो आप स्क्रीन देख सकते हैं? यस मैम, थैंक यू सो मच। तो आई वुड स्टार्ट विथ द कोट ऑफ स्वामी विवेकानंद जी, वेर ही सेज,
See, what we need is right now the scenario, the times that we are going through, we need a heart. What he is mentioning over here is what we really want is head and heart combined. Ek coherence chahiye between the brain and the heart. Many a times people use only their brains or pura hai na, wo is pe chale jaate hain. Just a moment, I have to take a break. 1 minute. Ek koi call aa gaya, sorry for that. 1 minute, mera kaha gaya. Yeah, the phone is kept somewhere else, that is. So, there are many a times where people use only their brain and using more of their logic and intellect. All that has to be refined. Everything gets refined over here. Your emotions get moderated. Your intellect gets refined into wisdom. All right. The ego gets refined. We have very inflated egos. When the head is more used, we tend to become very egoistic. What wo kya bolte hain na hindi mein kya bolenge usko egoistic ko bahut hi abhimani ho jate hain. So what Swami Vivekananda ji has put a beautiful quote over here. What we need is the heart is great indeed. It is through the heart that come the great inspirations of life. हम अपनी पूरी जिंदगी हार्ट की इंस्पिरेशन से ही तो जीते हैं. फीलिंग्स कहाँ से आती हैं हमें? हमारी फीलिंग्स हमारे नोज से या हमारे ब्रेन से या हमारे बॉडी पार्ट से नहीं आती हैं. फीलिंग्स कम बाय द हार्ट. सो मोस्ट ऑफ द टाइम our life is led by the inspirations coming from the heart, but many a times we are not listening to it. Usko bolte tum chup raho, fayda udhar dikh raha hai, galat hai par fayda udhar hai, to main to fayda karunga. So it listens to the brain. Okay, heart will always warn you, okay, no, this is not right. Yeah, it will give us signals, right? If you tell me to ask me my name, and if I tell myself I am Nancy, John, right? Somewhere I had to think and tell. No, it takes time. You know, truth bolne ke liye koi time nahi lagta. I am Lata. And I'm so relaxed at that time. Agar jhoot bolte hain to wo jo nahi aajkal jo lie test bhi aata hai to pata hi chal jata hai kisa aise aise hue electrical movements hue brain mein pata hi chal jata hai. So what he says is, I would 100 times rather have a little heart and no brain at all, that is okay, than be all brains and no heart. Life is possible, progress is possible for him who has heart, but he who has no heart and only brains dies out of dryness. So we have to very importantly understand the coherence between the heart and the brain. And when and as in when you go on doing meditation, you will start fine-tuning your heart and you will start listening to your heart and then make the right decisions. The clarity jo cloud ho jata hai na, jo confusion bhar jata hai, wo clarity aane lagti hai. Okay, aage badhte hain. Being as I told you कि ये जो आज मेंटल हेल्थ डे है उसमें एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगी कि वी ऑल नीड टू हैव सेल्फ कंपैशन. वी मैनी अ टाइम्स गिव लव काइंडनेस अराउंड अस, अपने आजू बाजू, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स, जहाँ कोलीग है उसके पास, सबको देते हैं कंपैशन. देते बहुत बड़ी बात है कंपैशन देना. कंपैशन डेवलप करना, काइंडनेस डेवलप करना और काइंडनेस देना बहुत अच्छा है, बट पहले
खुद के ऊपर सेल्फ कंपैशन रखें। देखो जब मैंने शायद ये बात कही भी होगी, शायद फर्स्ट डे पे, मुझे याद नहीं है, एरोप्लेन में जब हम जाते हैं तो ऑक्सीजन पहले खुद को लगाते हैं ना, फिर सबको। सो सेल्फ कंपैशन इज वेरी मच नीडेड। कल जो बात चल रही थी ना समवेयर, आई डोंट नो, यस्टरडे वी स्पोक और बिकॉज आई हैव बीन डूइंग अदर वर्कशॉप, सो मे बी कल भी क्रिटिसिज्म की बात चली, क्या सेल्फ जजमेंट की बात चल रही थी, या सो दैट विथ सेल्फ जजमेंट, या एंगर की बात चल रही थी, या एंगर ऑन सेल्फ शुड बी ऑन सेल्फ फॉर व्हाट रीजन, फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट ओनली, ओके, इट इज नॉट दैट टाइप ऑफ एंगर वेर आई एम क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो तुमसे तो होता नहीं है, राइट। दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी शुड हैव टोटल acceptance of self, okay, this is my limitation, this is what is not happening with me, or this is where I need to improve myself. So that anger to self is in that way, okay, I know where I am going wrong and I know where I should accept ki now I have to correct myself. That is the only sphere where we yesterday I was speaking about anger on self, okay. So we have to limit, you have to understand in what sphere anger on self, it is not on criticism, it is not on self-judgment, okay. So let us come ahead. I will take this up, all right now I can take it up. Let me see, where are the, yeah, I'm going to share you the slides of some, yeah. So there were researches done and EEG spectrum pura dekha gaya tha, autonomic function ko dekha gaya tha, markers of inflammatory jo body mein chalta hai usko, aur usko dekha gaya heartfulness meditators ke upar research kiya gaya, aur ye paya gaya ki jo inflammatory jo jaise humne CRP dekha bahut high ho raha tha kyunki inflammation itni sari body mein chal rahi hai, वो एक वन एक एक टेस्ट है, बहुत सारी अदर टेस्ट होती हैं, तो वो इन्फ्लेमेटरी फंक्शन जो प्रोसेसेस है उसको कैसे रिड्यूस कर देता है मेडिटेशन करने से। मेडिटेशन करने से हमारे जो कॉर्टिसोल लेवल्स है, जो बैड कहते हैं हार्मोन्स का हो, न्यूरोट्रांसमीटर्स का हो, ब्लड लेवल्स का हो, वो सब रिड्यूस होने लगते हैं, द गुड हार्मोन स्टार्ट बिकमिंग हायर, एंड अपनी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी, दूसरा जो था ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी किया गया था हमारे जवानों पे, CRPF जवानों के ऊपर, उनमें भी बहुत सारा बदलाव, बहुत देखा गया कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बहुत बेटर होने लगी, और पहले और बाद में ये देखा गया कि जो सिंपैथोवेगल बैलेंस जो होता है वो पहले कैसा था और वो बहुत रिलैक्स्ड होने लगे, तो जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा जो होता है, जो रिलैक्स करता है हमको, जो रात को ज़्यादा चलता है क्योंकि हम बहुत रेस्ट मोड में होते हैं, तब पैरासिम्पथेटिक लेवल हमारा हाई होता है, तो सिंपथेटिक वो होता है जब हम दिन में बहुत सारे काम करते हैं, ओके, तब सिंपथेटिक हमारा पूरा चार्ज्ड अप होता है, तो कैसे मैं रिलैक्स रहूं मेडिटेशन करने के बाद, हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एकदम अच्छी तरह काम करता है, हम जल्दी से कोई भी सिचुएशन ऐसी कोई आ भी गई तो हम फिर से अपने आप को बैलेंस करके उस रिलैक्स मोड में रहते हैं, उस रिलैक्स मोड में रह के हम प्रॉपर डिसीजंस ले पाएंगे। यदि मैं बहुत एक नहीं कहते हैं बहुत हाइपर है, वो बहुत हाइपर, हाइपर में क्या होता है, वो उसके सिंपथेटिक सिस्टम बहुत ही एक्टिव रहती है, और तो बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं वो लोग, पर जो लोग बहुत ही शांति से कुछ भी आया, ओके, कुछ भी, आपने सबने देखा होगा धोनी को, ओके, धोनी उनका कितना बैलेंस्ड, वो बहुत सारा उसने विन भी किया, बहुत बड़ा अवार्ड भी मिल रहा है, बहुत बड़ा टेस्ट मैच भी ये विन किए होंगे, बट दैट काइंड ऑफ यू सी हिज पॉइस, ओके, ही इज हैप्पी, सब अच्छा रहा, और जब अच्छा नहीं हो रहा है वो लूज होने के इसमें है, ओके, तो भी उनका व्यवहार सिमिलर ही रहता है, तो हाउ वी हैव टू मेंटेन दैट पॉइस,
तो जवानों में भी ये देखा गया कि उनका हायर पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी होने लगी, सिंपेथेटिक एक्टिविटी कम होने लगी। फिर डॉक्टर विवेक शर्मा ने कोविड के वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस के ऊपर ये टेस्ट किए थे और उनमें भी ये पाया गया कि मेडिटेशन करने के बाद, क्योंकि पैंडमिक में हमारे जो हेल्थ केयर वॉरियर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे, उनको कोई रेस्ट ही नहीं मिले, शायद 2 या 3 घंटे और फिर वापस पेशेंट्स को देखना पड़े, तो अपना अपने आप को रिलैक्स रहना, वापस रिफ्रेश करना कितना ज़रूरी है। एक मेंटल फटीग हो जाता है, तो उस फटीग को इस मेडिटेटर्स में ये देखा गया कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन कराया गया और फिर उनमें जो वो पैरासिम्पथेटिक जो एक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। और फिर ये भी बहुत अच्छा एक ये रहा कि ऑरा, हमारी ऑरा का परसेंटेज देखा गया, हमारे में जो चक्रास हैं, जो 7 चक्र हैं, उसमें कितना ज़्यादा बढ़िया प्रभाव होने लगा। 20 से आप देख सकते हैं मूलाधार जो लास्ट वाला है, 20 से फिर 53% एक्टिव। ओके, तो देन द ब्लड फ्लो ब्रेन में जो ये है, ब्लड ब्रेन के जो है ब्लड फ्लो भी बहुत अच्छा होने लगा। तो ब्रेन में ब्लड जाएगा तो इट विल फंक्शन बेटर, इट विल रिलैक्स बेटर, इट विल गिव इट्स आउटपुट टू द बेस्ट, राइट? सो दीज वर द रिसर्चर्स दैट वर डन। फ्यू अदर रिसर्चर्स वर डन इन USA बाय डॉक्टर जय थिम्मापुर, जिन्होंने वापस हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर किया था अपना रिसर्च, और उसमें भी बर्नआउट जो स्ट्रेस होता है, जो एक फटीग लेवल आ जाती है, फिर पर्सन को होता है कि अभी मैं नहीं परफॉर्म कर सकता, तो वहाँ पे कैसे मेडिटेशन करके कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पाया गया। ये भी पाया गया कि DNA में जो एक टीलोमियर होता है, एंड ऑफ द क्रोमोसोम, आप सबको पता होगा क्रोमोसोम्स, राइट? क्रोमोसोम्स की जो एंड वाली जो भाग होती है उसमें शू लेस के जैसे एक कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करता है जीन को, तो वो जीन जो टीलोमियर है उसकी लेंथ भी बढ़ने लगी आफ्टर डूइंग द मेडिटेशन। सो ये इतना ज़्यादा प्रभाव होता है, पूरी तरीके से हमारा एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। ओके, अ रिफाइनमेंट होने लगता है बाय जस्ट डूइंग मेडिटेशन। क्या चाहिए उसमें? सिर्फ सम टाइम। कितना मिनिमम टाइम मैंने आपसे बात करी थी? 20 मिनट मेडिटेशन सुबह में, 20 मिनट आप ध्यान क्लीनिंग करें शाम को, और 10 मिनट का जो आज हम कनेक्शन सीखने वाले, वो 50 मिनट अपने लिए मिनिमम। फिर इसको आप धीरे धीरे बढ़ा के आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐप के बारे में भी डिस्कस करूँगी, हार्ट इन ट्यून ऐप है हमारी, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई विल कम टू दैट। अब हमने रिलैक्सेशन देखा कि जस्ट लुक एट द फ्यू थिंग्स, क्या रिलैक्सेशन करने से हम ज़्यादा काम, रिलैक्स और सेटल्ड फील करते हैं, मेडिटेशन से हमें ज़्यादा फोकस, क्लैरिटी, प्रॉपर कंसंट्रेशन, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। रिजुविनेशन से हमने कैसे कल देखा कि कितने रिफ्रेश हो गए हम, सो लाइट वी स्टार्टेड फीलिंग, सो एनर्जेटिक वी स्टार्ट फीलिंग। टुडे वी विल डू द कनेक्शन पार्ट। ओके, सो आई विल फॉर सम टाइम स्टॉप शेयरिंग। ओके, सो कनेक्शन पार्ट, नाउ लेट अस सी what are we trying to connect? We are trying to connect with the higher self. सभी religions में, majority religions में कहा गया है कि रात के समय जब हम सोने की तैयारी करते हैं तब हम हमेशा अलग अलग, जिसमें हमने सीखा कि हम प्रे करते हैं, we do a prayer, we connect again with the divine, we ask for forgiveness for whatever wrong we have done during the day. और यदि ये रॉन्ग मैं जो कर रही हूँ, रोज़ मैं रॉन्ग कर रही हूँ और रोज़ मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ, तो उससे बेहतर है कि मैं उनसे वो स्ट्रेंथ भी मांगू कि प्लीज़ गिव मी द स्ट्रेंथ टू चेंज, राइट? कि डेली दिस थिंग इज हैपनिंग विद मी बट आई एम अनेबल टू कंट्रोल माई सेल्फ, आई एम अनेबल टू ब्रिंग चेंजेस इन माई सेल्फ,
तो प्लीज लॉर्ड प्लीज हेल्प मी, एक एक जो पुकार जो हृदय से आती है ना वो ईश्वर तक पहुंचती ही है, उसका आंसर देना अलग अलग प्रकार से वो अपने तरीके से आंसर दे सकते हैं, राइट? इट नॉट नेसेसरी हमको तभी वो आंसर मिले, मे बी वॉट इज बेस्ट फॉर मी विल हैपन एंड द गाइडेंस विल कम, मे बी यू विल मीट सच पीपल हु विल टेक यू टू वेर एवर यू नीड दैट हेल्प दैट यू आर आस्किंग फॉर. सो हियर इज द टाइम टू फॉर अ प्रेयर टू कनेक्ट विद द डिवाइन एंड टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस and to ask for help also. If I'm unable to correct myself, I need to ask for help, right? So what is the prayer? What is the heartfulness prayer? Okay. So please, I would request everyone to just gently close your eyes and listen to these words. In shabdon ko atmasat kariyega, jo main shabd abhi kahungi. अपने हृदय से कनेक्ट करें. अब मैं प्रार्थना कहूंगी. हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है. हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है. तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है. I will now tell it in English. O Master, thou art the real goal of human life. We are yet but slaves of our wishes, putting bar to our advancement. Thou art the only God and power to bring us up to that stage. Gently open your eyes. So, this prayer which is there, कि हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है. सो हियर दिस इज अ फोर लाइन प्रेयर एंड इट इज नथिंग दैट वी आर आस्किंग फ्रॉम गॉड. हम ईश्वर से कुछ भी मांग नहीं रहे हैं इस प्रेयर में. कहीं पे भी कोई मांग नहीं रखी गई. इसमें हम अपने आप को जैसे हैं वैसे पेश कर रहे हैं कि हम तो हमारी इच्छाओं के गुलाम हैं. एवरी न्यू डे वी हैव न्यू डिज़ायर्स कमिंग अप. एक कुछ ख़त्म होता है तो उसके ऊपर कुछ और आता है कि अभी ये करना है हमको, राइट? तो सेकंड लाइन इज दैट हम अभी अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारे उन्नति में बाधक है. जब तक डिज़ायर्स रहेंगी वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, राइट? एंड तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है. सो यू आर द ओनली वन हु कैन टेक मी टू दैट स्टेज. सो आई एम वेरी हम्बली, जस्ट हम्बलनेस में मैं अपने आप को सबमिट कर रही हूँ उनके सामने. दैट इज इट. आई एम पुटिंग ऑल द ओनर्स अपॉन हिम. You are the one who can take me to there, and I am here with all the desires. I know that, but aap hi mujhe le chal sakte hain. To yahan pe a kind of, you know, ki kind of you, what I would say, humbleness and humility. Humility ka word ki I am submitting myself to you. Okay, so this prayer we have to tell twice in a day. Only twice. First thing in the morning before meditation. एक ही बार हम बोलते हैं ये प्रार्थना ध्यान के पहले. एक ही बार बोलते हैं इसे, मंत्र के जैसे नहीं उपयोग करना है. एक बार हमने सुबह में कहा और फिर ध्यान हमने शुरू कर दिया, ठीक है? दूसरा जो हम करते हैं वो रात को जस्ट सोने से पहले. यस निखिल, यू हैव एनीथिंग टू आस्क?
आपका हैंड रेज हुआ है, आपको कुछ पूछना है निखिल? I think by mistake he has हुआ है और fine ठीक. So no ma'am, yeah, it was actually by mistake. Ah, no problem, no issues. Yeah. So the second time that we do the prayer is just before sleeping. हम ऐसे मोड में रहते हैं कि बस अभी this is the last thing that we do on the bed and then we are going into sleep. So, वहाँ पे तब हम इसको प्रार्थना ध्यान की तरह करते हैं, यानी कि ये प्रार्थना हम 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट करते हैं और इस शब्दों पे मनन करते हैं. एवरी डे वी आर डूइंग दिस मेडिटेशन ऑन दी प्रार्थना. एवरी डे इट विल बी अ डिफरेंट एंड अ न्यू फीलिंग फॉर यू. ओके, सो वी हैव टू meditate on the prayer, repeat the prayer 4 times, 5 times, understand the meaning, the feeling that you have on that day, and slip off into sleep. उसी में ही आप सो जाएं. Prayer करने से पहले मैंने जो बोला था forgiveness. Scan your entire day कि क्या हुआ, पूरे दिन में क्या हुआ, मेरे से कहाँ कुछ गलती हुई क्या. But we will ask forgiveness for anything, चाहे अनजाने में हुई हो या मैंने जानबूझ के कुछ गलती करी हो, उन दोनों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और ये चीज़ मेरे से रिपीट नहीं होगी, इसकी रेजोल्यूशन भी मैं लेती हूँ. फिर भी वो मिस्टेक अगर मेरे से बार बार होने लगती है तो आई आस्क फॉर हेल्प. द बेस्ट थिंग टू डू इज डायरी राइटिंग. Write in your diary at that moment ki this is what is happening and I am unable to change, please help. Okay, so wahan pe aapko zarur divine ka help milega. Kaise milega, wo unke upar chhodna hai. Hum usko nahi kahenge ki is tarike se ho, wo hum nahi keh sakte na, hamare mein itni zyada wisdom hai. Fine, so we put it into them. Best thing is to write it in the diary and put it aside. You will see after 6 months, you would have got some answer into it, surely. So ye diary writing karne ke baad hum phir karte hain prayer aur prayer mein karte karte so jate hain. So subconsciously also I'm connected with the divine, with the higher self. And then usme jab hum sleep karte hain, जिससे नहीं, इट इज़ लाइक यू नो गोइंग बैक टू अवर मम्मा, मदर की गोद में जाके सो जाते हैं. इट इज़ लाइक दैट, यू नो, सो दैट टाइप ऑफ फीलिंग. एंड अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर इज, मैनी अ टाइम्स वी फील गिल्टी. मैंने जो सेल्फ कंपैशन की बात करी ना कि मेरे से गलती हो गई, मैं तो बहुत खराब, राइट, दैट गिल्ट. That guilt is a very strong sanskar and it is very difficult to clean. Bahut strong sanskar. To us guilt ko kaise main clean karungi? Us wo guilt na Bhagwan, no God can clean it. And our cleaning also can do a little work, not fully. But kya kaam karega? Wo guilt kaise nikal sakta hai? Jab मैंने बहुत सारे दिल से मेरे अश्रु जब गिरते हैं कि मुझसे ये हो गया, क्षमा, मैं क्षमा मांगती हूँ ईश्वर से, मेरे से गलती हो गई और मेरे हृदय एकदम पिघल रहा है और मेरे अश्रु बह रहे हैं, बस वो चीज़ आपकी गिल्ट को क्लीन कर सकता है और कोई पावर इन द वर्ल्ड कैन नॉट clean the sanskar of guilt. It is extremely heavy sanskar. Okay, I would request Nehal Ben, we will have what to say, levels of heartfulness teachings. We are doing the first level today. We will go deeper. Okay, there are many more things which we need to know, like I talked about guilt with you.
there are many other points, the detox methods. So level by level, we will go ahead and do this, maybe monthly, right? We can do that, right? So this is how we connect with our higher self, by just connecting to our heart, telling our prayer with connection with our heart, repeating the prayer at night and sleeping with that mode. इससे क्या होता है, कितना ही हम लोगों को लोगों से और खुद ने भी एक्सपीरियंस किया कि हमारी स्लीप जो है ना बहुत डीप हो जाती है, वंडरफुल रिलैक्स्ड डीप लेवल ऑफ स्लीप वी गेट. जिन लोगों को नींद आती नहीं है उन लोगों को नींद आने लगती है. रिलैक्सेशन बहुत बढ़िया काम करता है, रिलैक्सेशन विद दिस प्रेयर. आप रात को भी रिलैक्स करके, रिलैक्सेशन का जो मैं आज मैं सारे वो डालने वाली हूँ, ऑल यूट्यूब वीडियोस, रिलैक्सेशन मेडिटेशन क्लीनिंग एंड प्रेयर, ऑल ऑफ देम आई एम पुटिंग द यूट्यूब लिंक्स. आप सभी उसमें सुन सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं. ओके, सो आई वुड लास्ट वन आई वुड लाइक टू शो यू एंड देन आई विल गो इनटू मेडिटेशन. ओके एंड देन क्वेश्चन आंसर. सो मैं अभी आपको एक ऐप बताना चाहती हूँ जो है हार्ट इन ट्यून ऐप. उस ऐप को आप अपने पेस के अनुसार यूज कर सकते हैं, ठीक है? कि मैंने अभी 15 मिनट का टारगेट रखा कि दिस मंथ आई विल डू 15 मिनट्स मेडिटेशन. सो इट विल, इट हैज़ ऑल दोज मॉड्यूल्स, इट विल टेक यू थ्रू इट इन योर ओन पेस, इन योर ओन इंटरेस्ट. And it is a little bit of music is there in this. So it will facilitate your meditation, your cleaning and prayer. And many more features are there in that. Ki abhi aapne ek milestone cover kiya to aapko ek batch milegi. So it's like an incentive. You know where you are and you know what next you want to do. So it's a wonderful app. Please, aap sabhi se nivedan hai, aap isko download karein, usko dekhein aur utilize karein. Aapke क्या कहते हैं, आपके जर्नी के लिए. तो आई विल प्ले दैट, आई विल प्ले दैट वीडियो, वन मिनट एंड जस्ट होल्ड ऑन. या सो शेयर, अभी दिख रहा है सिंपलेस्ट मेडिटेशन ऐप. हाँ, आपका प्रेजेंट, मैंने वो प्रेजेंट तो हो रहा है मैडम, दिख रहा है ना? मैंने अभी चालू नहीं किया है. नहीं नहीं, मैंने स्क्रीन दिख रही है आपकी. हाँ, सिंपलेस्ट मेडिटेशन ऐप दिख रहा है ना उसपे? नहीं, सिर्फ स्क्रीन दिख रही है. ओ, YouTube से है? नहीं, YouTube से नहीं है. मैंने अपने यहाँ खोल के तो रखा है, तो मैं शायद गलत एंटायर स्क्रीन विंडो टैप. टैप कीजिए, टैप कीजिए, टैप. हाँ, टैप, हाँ, राइट, टैप कर किया. हाँ, आर्ट एंड ट्यून डाउनलोड, हाउ टू क्लीन द डेड. टैप में नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा? अगेन Please bear with me some time. अगर विंडो किया मैंने, हाँ आया आया, दिख रहा है अभी? मैं चालू कर रही हूँ. अब दिख रहा है, अब दिख रहा है. Yes.
इज अ वेरी वंडरफुल ऐप और बहुत सारा इसमें आपको अलग अलग मॉड्यूल्स भी सीखने को मिलेंगे, तो वो ज़रूर आप इसे ट्राई करें, एक्सपीरियंस करें, और नेक्स्ट जब मैं आपको जब भी आपको मिलूंगी तो प्लीज़ आप अपना शेयरिंग भी कर सकते हैं कि आप कहाँ पहुँचे। दूसरी बात एक करना चाहूँगी, जो लोग भी आज के जो सत्र के बाद, आज तीसरा दिन हम कर रहे हैं, जो भी हार्टफुलनेस को करना चाहता है कंटिन्यू, दे कैन कनेक्ट विद मी। मेरा मोबाइल नंबर शेयर कर देंगे, आप मेरे से कनेक्ट करिएगा, आपकी जर्नी को और आगे और इंटेंसिव और डीप बनाएंगे और परफेक्ट करेंगे, ठीक है? सो वी विल नाउ मेडिटेट, वील डू अवर थर्ड मेडिटेशन टूडे। And today, Sushma ji, you are there. Sushma ji is there or she's gone? Sushma. No, she's not there. Okay. ठीक है. Fine. So that means we all are there. जो इतने दिनों से वो सभी हम सभी हैं, right? आंटी अंकल तो अभी आ जाए हैं, फाइन, दैट इज फाइन। तो उषा बेन और दिलीप भाई, अभी जब हम ध्यान करने बैठेंगे, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस तो देने ही वाली हूँ, तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। आपको अपना अटेंशन आप पे हृदय पे रखना है, और जो संकल्प मैं बोलूँगी वो संकल्प बोल के आप अपना अटेंशन जो है वो हृदय पे रख के वहीं पे टिकाए रहना। अगर थॉट्स आते हैं तो उनको इग्नोर करके उन पे कोई अटेंशन नहीं देना, उनको जाने देना, जस्ट लेट गो ऑफ द थॉट्स एंड आप कम बैक टू योर हार्ट, ओके? अगर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं थॉट्स से, उनको जस्ट जाने दीजिए, जैसे कि क्लाउड्स जा रहे हैं ना, उसको इससे क्लाउड्स की तरह रखिए कि वो तो जा रहे हैं, और आप पहले आप अपना अटेंशन वापस हृदय पर लें। तो मैं सबसे निवेदन करूंगी, आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन और पोस्चर और रूम में चले जाएं जहां पे आप कंफर्टेबल हैं, और अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट रख दें, एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं और धीमे से हल्के से अपनी आंखें बंद करें। एक डीप ब्रीथ करें, टेक डीप ब्रीथ एंड जेंटली लेट इट गो। महसूस करें धरती से दिव्य ऊर्जा, आपके पैरों की उंगलियों से आपके पूरे शरीर के ऊपर जा रही है। ये दिव्य ऊर्जा आपके पूरे शरीर को बहुत ही रिलैक्स कर रही है। एक बार हम ये प्रेयर जो मैं कहूंगी उसको आप अंदर रिपीट करना। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है, जो हमें उस लक्ष्य तक
ले चल सकता है। अपना अटेंशन हृदय पर ले आए, हृदय पे ये एक संकल्प दें कि दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में मौजूद है। और वह मुझे भीतर की ओर खींच रहा है। अपना ध्यान हृदय पर टिकाए रहें जब तक हम आपको आँख खोलने के लिए न कहें। अपना ध्यान हृदय पर टिकाए रहें। Please start meditation on the heart.
make a note of how you are feeling right now. अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसका नोंद लें। फिर जैसे आप कंफर्टेबल होते हैं अपनी आंखें खोल सकते हैं। Anyone would like to share your experience for today, please share. How did you feel today? Janvi is there. Yeah, ma'am. Yeah. So it was complete calmness. Just a single word I would like to say, calmness. बीजू कोई उषा बेन दिलीप भाई एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर हाउ डू दे फील टुडे ओके डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर टुडे पापा तुम अनम्यूट छो बहुत शांति लगी। हाँ ओके थैंक यू उषा। यू आर म्यूट पापा। नीचे रेड कलर नो माइक नो सिंबल छे एना पर क्लिक करो। લેફ્ટ માં આવે લેફ્ટ માં માઇક નો સિમ્બોલ કઈ નહીં ઉષાબેન ઉષાબેન સામે સામે જ બેસેલા છે ને બેન હા હા તો તમારા એમનો અવાજ આવતો નથી મારો અવાજ આવે છે ને આવે છે હા બહુ શાંતિ અનુભવાય તમારે કઈ કહેવું હોય તો કહો હું કહું અહીંથી બોલો ને એમને આપે હેલો હેલો યસ અમારો તો આ અનુભવ પહેલો નથી ને હા ખબર મેડિટેશન તો મેં કરીએ જ છીએ ધેર મે બી સમ ડિફરન્ટ ફોર્મ ઓર સમથિંગ પણ આ બહુ અગત્યની લાઈફમાં એ અગત્યની આસ્પેક્ટ છે અને અમે તો જ્યાં જ્યાં તક મળે છે ત્યારે આની વાત કરીએ જ છે તમે જે માર્ગદર્શન આપો છો એ બહુ ઉત્તમ છે હવે પછી એક વખતે મારે તમારા કેન્દ્ર ઉપર આવવું છે મેડિટેશન કરવા અત્યારે કેન્દ્ર બંધ છે પણ રોજ ચાલુ છે કરીબ 1-4 ઓ ક્લોક ચાલુ છે ત્યારે તમને જવું હોય તો જઈ શકાય બપોરે 1-4 ઓ ક્લોક હા મોસ્ટ વેલકમ થેન્ક યુ થેન્ક યુ તમારું મ્યુટ કરી દેશો ઉષામે હા બીજે કોઈને કોઈ પૂછવું છે યા બોલવું છે હા યસ જાનવી મેમ ધેર આર ટુ વર્ડ્સ વિચ આર યુઝ વેરી ફ્રીક્વન્ટલી કનેક્શન એન્ડ અટેચમેન્ટ આઈ જસ્ટ વોન્ટ યુ ટુ ઇલેબોરેટ અ બિટ ઓન ટુ ઇટ યસ વેરી નાઇસ વેરી ગુડ સી વેન વી આર અટેચ્ડ ટુ સમબડી ઓર સમથિંગ ઇટ ઇઝ લાઈક પોઝેસિવનેસ Connection is the positive side. Attachment is the negative side. Okay? That is the difference. We should remain connected. Connection will have some part of freedom.
I am connected. The other person will have that freedom. Do what you may. I'm connected. Always we say over here also that I'm connected to my heart. I'm connected to my heart. We don't say I'm attached to. An attachment will always bring that kind of possessiveness, that that negativeness is there in that. Okay? It is like the other day I talked about listening and hearing. Okay? We listen by our heart. It is a positive thing. Listening may I am there present with you. I am listening to you. If I am hearing to you, it is just coming from here, going from here. I am not there only. मैं जस्ट ऐसे जा रहा है आई एम हियरिंग टू समथिंग ओके कुछ है कुछ साउंड है जा रहा है आई एम नॉट प्रेजेंट इफ आई एम प्रेजेंट आई विल बी लिसनिंग टू यू आई एम देयर दैट टाइप एनीथिंग एल्स जानवी वेरी गुड क्वेश्चन सो आई विल ऐड दिस टू लता मैम द डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड कनेक्ट सो Connect means rather attachment, let's take only one, then the other difference is easy to identify. Yeah. So according to me, attachment means asakti. You are attached with something with lot of factors. You have some desires, you have your emotions, and you are also having some motives. So actually wo selfish hota hai. Yes. So you are somewhere by all of these you are attached jaise hamare human relations mein aisa hota hai but connect means aap kisi se jude hue hain par aapki expectations nahi hain aur aapka inner peace disturb nahi hoga so it doesn't mean ke aap ruthless ban gaye ya aap emotionless hain it's not like that बट आपका इनर पॉइज और पीस डिस्टर्ब नहीं होता है अगर वो इंसान अलग तरीके से बिहेव कर रहा है या अगर वो इंसान आपके लाइफ से चला गया तो भी आप बैलेंस नहीं खोएंगे तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ यू डोंट अलाउ नो समबडी समबडीज अटैचमेंट टू ओवर पावर योर इंटरनल पीस सो दैट इज़ वॉट इज ओनली कनेक्ट And that is how attachment is more superficial. It's more about worldly matters, more about our sansaric life and all, right? So that automatically goes and reduces when you do good meditation. So your inner peace becomes more stronger when we are doing meditation regularly. But uske liye regular meditation hona zaruri hai. तो क्या होगा कि बाहर की चीज़ें आपके अंदर के पॉइस को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी तो फिर वो कुछ भी हो सकता है अटैचमेंट कैन ऑल्सो बी विथ सम मटीरियल थिंग्स मेरा घर मेरा स्कूटर मेरी पेन मेरी बुक मेरे कपड़े कुछ भी हो सकता है और वो धीरे धीरे छूटता है ऑटोमेटिक और हम उसको डेलिब्रेटली नहीं छोड़ सकते तो मैनी अ टाइम्स थियोरीज डोंट वर्क वो बोलते हैं सब छोड़ दो संसार की माया छोड़ दो पर बोलने से कुछ नहीं होता है तो वो करेंगे कैसे तो जब हम ध्यान करते हैं तो वो इंटरनली इट वर्क्स एट सटल लेवल और हम धीरे धीरे हमारे पीस में रहना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा डिटैचमेंट होना शुरू होता है दैट डजेंट मीन के हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए कई लोग ध्यान को इस तरीके से लेते हैं कि ध्यान करने वाले तो क्या है अपने आप अपने साथ ही रहते हैं पर ऐसा नहीं है कि वो दूसरों की पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं या उसको नहीं उस कंपैशन नहीं है या दे डोंट हैव सिंपथी द थिंग इज के वो दूसरों को बहुत सेंसिटिवली समझते हैं पर अपना पीस डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो ये जरूरी है अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं आपको सेंसिटिविटी चाहिए पर अगर आप हेल्प करने के लिए खुद ही डिस्टर्ब हो गए तो हेल्प कैसे करेंगे तो इस वो पॉइस अगर डेवलप हुई आप में तभी तो आप किसी के लिए यूजफुल रहेंगे तो दैट इज व्हाट इज कंपैशन इट दैट डेवलप्स ऑटोमेटिकली जब आप कंटिन्यूअस मेडिटेशन करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे एंड इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस
So that person will realize after 3, 4, 5, 6 months on a regular basis. So automatically वो inner peace आपका maintain होना शुरू होगा. जैसे कल मैडम ने बताया था कि धीरे धीरे आप उसी inner peace में जीना सीख जाएंगे. तो आप एक आपका एक disconnect, एक distance रहता है with external world. तो वो gap रहेगा और फिर भी आप external world को enjoy कर पाएंगे. And that is what actually सहज मार्ग एंड heartfulness meditation is about. So लोग ऐसा भी मानते हैं कि meditation करने वाले माने वो लोग तो सब साधक बन जाएंगे, marriage नहीं करना है, संसार में नहीं रहना है. तो ऐसा कुछ नहीं होता है. Actually it helps you to stay in the संसार with a poise and a self control and maintaining your inner peace. तो और आपको बेहतर efficiency देगा कि आप world के साथ कैसे deal करें. तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि साधक बन जाएंगे या इट्स गॉन नो. तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है. काफ़ी लोग ऐसा भी समझते हैं कि ओल्ड एज में मेडिटेशन शुरू करो. तो ऐसा भी नहीं है कि ओल्ड एज की प्रक्रिया है. एक्चुअली ये तो बचपन से अगर सीख गए तो आप बचपन से समझ जाएंगे कि अपना इनर पीस कैसे मेंटेन करना है. तो वो अगर आ गया तो इट इज़ अ स्किल. तो आप बहुत एफिशिएंटली ग्रो करेंगे और काम कर पाएंगे. सो यस पापा यू वॉन्ट टू से समथिंग. Yes, yes. See, as I understand, attachment is also having psychological aspect, you see. For example, if the people have a sense of satisfaction, one would feel that some level of satisfaction, then one's attachment also will decline. Now, as I understand, it is the first entry point to be detached with the situation, because most of the desire, you see, as we rightly pointed out, we are all slaves of desire. It comes from where? It comes from our dissatisfaction. We want these. But once we understand that we have got enough of the enough, then there is no need to go further. Then I think the process of detachment will start automatically. This is a psychological dimension also. Thank you. Thank you. Thank you so much. बहुत बड़ी explanation रहा दिलीप सर का भी और निहल मैम का भी. Very nice. So अगर कोई questions नहीं है then we can end up the session. Krishna, you want to say something? No, मेरा छूट गया था तो मैं अभी भी ध्यान नहीं थी. तो आई वुड रिक्वेस्ट वही जैसे मैंने कहा था कि जिसको भी जुड़ना हो आगे करना हो तो दे कैन कनेक्ट विद मी. विल गो थ्रू दैट फर्दर जो हमारा जो फॉलो अप सेशंस होते हैं उसके लिए. तो आई विल शेयर ऑल द वीडियोस एंड माय मोबाइल नंबर आल्सो इज देयर इन द